हाय एवरीवन मैं हूँ आचल पाठक एंड वेलकम टू द फाइव पैसा आईपीओ सीरीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और होटल चेंज रन करती है चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आई पी ओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़ सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस ओ ये इशू ओपन होगा फिफ्थ फेब्ररी को और सेवन फेबररी 2024 को, को क्लोज हो रहा है इशू की टोटल हुआ था नाइन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ इसमें से फ्रेश इशू है 600 हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का और 320 हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल भी है प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम वन टू वन पर शेयर लॉट साइज है नाइन्टी सिक्स शेयर पर लॉट शेयर अलॉट हो गए एट्थ फेबररी को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है ट्वेल्थ फेब्रुरी की जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड ICICI Securities Limited सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के फंड्स डेट की पेमेंट में पे यूज होंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाएंगे चलिए अब कंपनी के बिजनेस में एक डीप डाइव करते हैं कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और होटल चेन्स रन करती है ये अपने एसेट्स ओन करते हैं इनका पहला होटल 1967 में कोलकाता में लॉन्च हुआ था ये कोलकाता के फैशनेबल और जाने माने एरिया पार्क स्ट्रीट पर लोकेटेड था जिसकी वजह से होटल चेन का नाम भी पार्क होटल रखा गया है इनकी होटल चेन्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला है अप स्केल होटल इसमें द पार्क और द पार्क कलेक्शन आते हैं और दूसरी कैटेगरी में आते है, park, जो हैं जोन बाय द पार्क एंड जोन कनेक्ट बाय द पार्क, जो कि अपर मिड स्केल प्रॉपर्टीज हैं कंपनी ने रिसेंटली इकोनॉमी होटल्स की भी चेन स्टार्ट की है जिसका नाम है स्टॉप बाय द जोन कंपनी की एक खास बात यह है कि एज ऑफ सितंबर 2023 ये इंडिया में चेन अफिलिएटेड होटल रूम्स की कैटेगरी में एथ पोजीशन पर है अपने होटल्स के अलावा कंपनी एक पॉपुलर ईटरी फ्लूरीज भी ऑपरेट करती है इन टोटल कंपनी 81 वन रेस्टोरेंट नाइट क्लब्स और बार्स ऑपरेट करती है एट अ पैन इंडिया लेवल ये एस्टेब्लिशमेंट मुंबई दिल्ली कोलकाता हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई गोवा और इंडिया की काफी दूसरी सिटीज में भी लोकेटेड है इंडस्ट्री में शैले होटल्स लिमिटेड लेमेंट्री होटल्स लिमिटेड इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सम ही होटल्स लिमिटेड ई आई एच लिमिटेड इनके पेयर्स माने जाते हैं चलिए अब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर भी नजर डालते हैं एज ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंडिया में वन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट के चेन अफिलियेटेड होटल रूम्स हैं अक्रॉस सेगमेंट्स सेगमेंट वाइज देखें तो लग्जरी और अपर अपस्केल सेगमेंट में 5.8 परसेंट एंड 6.8 परसेंट की ग्रोथ देखी गई है और अप स्केल एंड अपर मिड स्केल सेगमेंट्स में 9.8 और 9.3 की बढ़त दिखी है सबसे ज्यादा ग्रोथ मिड स्केल इकोनॉमी सेगमेंट में रिपोर्ट की गई है जो है 10 बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में The revenue from operations was reported at 506.13 crore rupees for FY23 against 255.02 crore rupees in FY22 and 178.83 crore rupees in FY21 up by 98.47% in one year and 183.02% in two years. EBITDA amounted to 177.09 crore rupees for FY23 against 58.29 crore rupees in FY22 and 22.84 crore rupees in FY21. Up by 203.81% in one year and 675.35% in two years. Total assets for FY23 were reported at 1361.79 crore rupees against 1275.17 crore in FY22 and 1280.33 crore rupees in FY21 up by 6.79% in one year and 6.36% in two years. Share capital for FI23, FI22 and FI21 was reported at 17.46 crore rupees. Total liabilities for FI23 were reported at 806.32 crore rupees against 766.84 crore rupees in FI22 and 744.13 crore rupees in fy 21 up by 5.15% in one year and 8.36% in two years. Abis section कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं कंपनी के हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में प्रेजेंट है और इनका ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी हाई है इनका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग रहा है और एफ एन पी सेक्टर में भी इनकी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी की लीडरशिप टीम भी डेडिकेटेड है रिस्क की बात करें तो कंपनी को होटल प्रॉपर्टीज की डेवलपमेंट में जो डिलेज होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं कंपनी ने पास में रीस्टेटेड स्टेटेड लॉसेज रिपोर्ट किए हैं इनके कुछ होटल्स मॉर्गेज हैं कंपनी के रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉर्पोरेट अकाउंट्स और लीजर कस्टमर्स से आता है और सब्सटैंशल रेवेन्यू टॉप फाइव होटल से ही आता है कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं और इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और हाँ अगर आप इस आई के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.